किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे नवरात्रों के लिए बड़े, जो बनाएंगे हम साबुनदाने का। तो चलिए बनाते हैं साबुनदाने के बड़े। 100 ग्राम साबुनदाना जो हमने इसको भिगोया है, अच्छे से 3 पानी में वॉश किया है और देखिए एक एक दाना खिला है। हमने इसको इतना भिगोया है जो इसके बिल्कुल बराबर सतह पे पानी रखा था, उससे ज़्यादा नहीं, और उतने ही पानी में ये फूल के अच्छे से हो गया है। देखिए कितना सॉफ्ट हुआ है एक एक दाना और अच्छे से मैश हो रहा है ये। और हमने 5 से 6 आलू लिया है, धनिया, मिर्ची, अदरक कटा हुआ, तीनों चीज़ है इसमें, काली मिर्च, बर्थ का नमक, खाने वाला। अब चलिए बनाते हैं। एक बॉल लेंगे और इसमें आलू को डाल के सारा अच्छे से गूंदेंगे बारीक बारीक। इसे इतना बारीक करेंगे जो मतलब अच्छे से साबुनदाना और आलू मिक्स हो जाए। साबुनदाना डाल दिया, धनिया और मिर्चा, अदरक और नमक, काली मिर्च, अब इन सारों को डाल के अच्छे से बस इसको अच्छे से घुमा घुमा के मिलाएंगे इसमें। अब हाथ में पानी लगाएंगे और थोड़ा सा सामग्री लेके हाथ पे अच्छे से घुमाएंगे, गोल गोल करेंगे इसको और इसको चपटा करके, और इसमें जैसा चाहे वैसा शेप देख सकते हैं। देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा होल टाइप का किया है। अब ऐसे ही हम सारे ही पानी का हाथ लगा लगा कर सारे ही बड़े को बना लेंगे। आप चाहें तो कोई सा भी इसको शेप दे सकते हैं। अब हमने कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में तेल डाल के गरम करा है। अब हम बड़े को हमारा ये सारी सामग्री में 10 से 15 बड़े बने हैं। अब हमारा तेल गरम हो चुका है और इसे हम मीडियम हाई फ्लेम पे करेंगे, नहीं तो बड़ा बिखर जाएगा और पलटने में दिक्कत होगी आपको। तो हम बड़े को एक तरफ से थोड़ा थोड़ा सेकने देंगे, उसके बाद इसको हिलाएंगे। अब इसको एक तरफ से जब पक जाएगा अच्छे से तब हम इसको पलटेंगे। देखिए हमारा बड़ा कितने आसानी से पलट रहा है। और देखिए कितने अच्छे से सिका है और कितना क्रिस्पी लग रहा है देखने में। ऐसे ही हम सारे बड़ों को सेक के उतार लेंगे। देखिए हमारे साबुनदाने की बड़े बनके तैयार हैं और कितने अच्छे खाने में क्रिस्पी हैं। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।